नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 21 अगस्त शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख घटनाएं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मोहर्रम के जुलूस में देशद्रोही नारे लगाने के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तान परस्त 10 सपोलों में से 7 को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 3 सपोलों को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। गुरुवार की रात मोहर्रम के दौरान गीता कॉलोनी में देशद्रोही नारे लगाने से शहर ही नहीं अंचल उबल रहा है। शहर के साथ साथ आसपास के कस्बों और जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके चलते पुलिस और प्रशासन दोनों बहुत सावधानी बरत रहे हैं। पुलिस ने अब तक 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार को सभी को कोर्ट में पेश किया। यहां से 3 को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट पेश किया था। इनमें से शदाब, शानू और अब्दुल्ला को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर सौंपा है। शेष को सेंट्रल जेल भेज दिया है। आइए देखते हैं ये 10 गद्दार कौन है। जूना सोमवारिया का नहारू शेख पिता मोहम्मद सिद्दीकी, केडी गेट निवासी अजहर पिता छोटू कुरैशी, झांसापुरा निवासी जफर पिता मोबिन खान, झांसापुरा निवासी सलमान पिता अब्दुल मजीद, लोहे का पुल निवासी समीर उर्फ बल्ली पिता मोहम्मद शब्बीर, रिंग रोड निवासी अब्दुल्ला पिता जहीर खान, शादाब निवासी सब्जी मंडी, वाहिद उर्फ गंदा कालू पिता बाबू शाह निवासी जूना सोमवारिया, अकबर उर्फ मोनू पिता कदीर शेख निवासी वजीर पार्क कॉलोनी, शानू पिता इकबाल निवासी बड़े साहब की गली। ASP सिटी अमरिंदर सिंह ने बताया कि रिमांड वाले आरोपियों से उनके साथियों के नाम पूछे जा रहे हैं। उनका आपराधिक रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। मामले में अभी तक 23 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। कुछ नाम और बढ़ सकते हैं। अभी तक शहर काजी की संलिप्तता सामने नहीं आई है। मोहर्रम पर गीता कॉलोनी में लगे देशद्रोही नारों ने शहर की शांत फिजा में आग लगा दी है। 2 दिन से रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में आम आदमी के साथ अब संतों ने भी मैदान संभाल लिया है। शनिवार को संतों के नेतृत्व में नीलगंगा चौराहे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के नारे गूंज उठे। जूना अखाड़ा की अगुवाई में बड़ी संख्या में संत और समग्र समाज के लोगों ने लोकमान्य तिलक स्कूल तिराहे से जुलूस निकाला और पद यात्रा करते हुए नीलगंगा चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक नारेबाजी भी होती रही। पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ साथ हर हर महादेव के नारे गूंजे। संत समाज ने मौके पर आए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कहा कि गीता कॉलोनी में नारे लगाने वाले युवकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके मकान तोड़े जाने चाहिए और सभी पर रासुका लगाना चाहिए। उन मुस्लिम धर्म गुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी सरपरस्ती में नारे लगाए गए। ज्ञापन सौंपने के बाद पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। इस दौरान भगवा ध्वज लहराया गया और साधु संत त्रिशूल भी लेकर निकले। मोहर्रम जुलूस में भारत विरोधी नारेबाजी के विरोध में अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना ने शनिवार को निकास चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी। दरअसल भारत विरोधी नारों से पूरा शहर भन्नाया हुआ है। इसके चलते जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। निकाल चौराहे पर इसके चलते भारी भीड़ एकत्र हो गई। हाल ये रहा कि लोगों को निकलने की जगह तक नहीं मिली। पाकिस्तान मुर्दाबाद वंदे मातरम के जमकर नारे लगाए गए। अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने बताया कि सारे हिंदूवादी संगठनों ने एकत्र होकर पाकिस्तान का पुतला जलाया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि देशद्रोही नारे लगाने वालों के मकान तोड़े जाएं और इन सभी की नागरिकता निरस्त की जाए। जय श्री राम। मैं सुरेंद्र यादव, अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना का प्रदेश अध्यक्ष। आज पुतला दहन करा था पाकिस्तान का, जो देश विरोधी नारे लगाए थे उस विषय में आज सारे हिंदू संगठन ने पुतला दहन किया था पाकिस्तान का। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पे कार्रवाई की जाए और इनके घर ध्वस्त किए जाए और इनकी नागरिकता भारत देश से खत्म की जाए। जय श्री राम। जय जय। फैजलपुरा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश छेनू को पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह उन्हेल रोड पर प्रजापति ढाबे पर अपने 4 साथियों के साथ वारदात करने की तैयारी में था। इसके पहले ही पुलिस ने सभी को दबोच लिया। इस दौरान चोर पुलिस का खेल भी चला। आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन SI रविंद्र कटारे की टीम ने 5 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से कारतूस, लोड पिस्टल, चाकू, तलवार, खंजर, लोहे के पाइप मिले। पकड़े गए आरोपियों में दिनेश उर्फ शाहरुख, नूर पिता ताज मोहम्मद खान, इरफान उर्फ पपड़ी खान, युवराज पासी शामिल हैं। ये चौपाल सागर के पास स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप को लूटने वाले थे। छेनू फैजलपुरा क्षेत्र का आदतन बदमाश है। उसके खिलाफ चिमनगंज कोतवाली थाने में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसका बाप बाबू डबल भी आदतन बदमाश है। दिनेश पर 35, नूर पर 7, इरफान पर 10 और युवराज के खिलाफ 30 मामले हैं।
रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही बड़े गणेश मंदिर में राखी बंधना शुरू हो गई। देश और विदेश से आई राखियों को पूजा के बाद गणेश जी को बांधा गया। दरअसल ऐसी बहनें जिनके भाई नहीं होते वह भगवान गणेश को अपना भाई मानती हैं। इसके चलते वह देश और विदेश से बड़े गणेश जी को राखी भेजती हैं। शनिवार को पूजा के बाद बाहर से आई राखियां गणेश जी के हाथ पर बंधना शुरू हो गई। पुजारी सुधीर व्यास के मुताबिक देश और विदेश से बहनें बड़े गणेश जी को राखी भेजती हैं। ये राखियां विधिवत पूजन के बाद गणेश जी को बांधी जाती हैं। भाई जिस प्रकार से एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है अपने रक्षा के लिए और जीवन भर के संकटों से और सब कार्य सिद्धि के लिए, उसी प्रकार से जिनके भाई नहीं होते उनको भगवान को गणेश जी को भाई मान लेती है। हमारी संस्कृति में भी सबसे पहले पूजा जो होती है वो श्री गणेश जी की होती है। आज देखिए कलयुग में हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं श्री गणेश जी से विनती करती हूँ कि हर बहन की रक्षा करें। आज जिसके भाई नहीं है वो भी यहाँ पे आके गणेश जी को राखी बांध सकता है और मेरी रक्षा करें। हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर और पूरे संसार पर बना रहे। नए साल में बाबा महाकाल के भक्त नए रास्ते से होकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस रास्ते पर म्यूरल वॉल के साथ साथ बड़ी बड़ी मूर्तियां देख सकेंगे। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर फैसिलिटी सेंटर तक बन रहे करीब 1 किलोमीटर लंबे महाकाल पथ का काम हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी प्रशासन को इसके साथ सरफेस वर्किंग और उज्जैन विकास प्राधिकरण को फैसिलिटी सेंटर 2 का कार्य भी 31 दिसंबर तक करने का आदेश दिया है। महाकाल पथ पर आकर्षक म्यूरल वॉल, पेंटिंग्स, मूर्तियां एवं फव्वारे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को यहां से ले जाने के लिए ई रिक्शा भी चलेंगे। त्रिवेणी से चार धाम तक के मार्ग का चौड़ीकरण हर हाल में 7 सितंबर से शुरू किया जाएगा। 6 सितंबर को महाकाल की अंतिम सवारी निकलेगी। इसी तरह छोटा रुद्रसागर से बड़ा गणेश मंदिर तक बनने वाली सड़क का निर्माण भी तय समय पर करने के निर्देश दिए। इसी तरह हरी फाटक ओवरब्रिज की भुजाओं के चौड़ीकरण पर भी चर्चा हुई। इस मामले में रेलवे अधिकारियों से भी चर्चा की गई। इस ब्रिज में एक हिस्सा रेलवे का है। समय रहते सटीक जांच होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में हमारा पता 48 गौरव टावर शिव मंदिर के पास फ्रीगंज उज्जैन 9752845324। उज्जैन के कलाकार प्रणव कुशवाहा का चयन जी कैफे चैनल के शो डांस विथ मी के श्रेष्ठ 50 डांसरों में हुआ है। प्रोग्राम में देश भर के डांसरों ने शिरकत की। इसमें प्रणव ने अपने डांस से जजेस का दिल जीत लिया। बचपन से डांस के शौकीन प्रणव दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के लिए फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के कोरियोग्राफर की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। प्रणव ने डांस की विधिवत शिक्षा कहीं से नहीं ली और खुद ही उन्होंने डांस में महारत हासिल की। रियलिटी शो का प्रसारण रविवार को जी कैफे पर रात 8 बजे होगा, तो आप भी शो और प्रणव का डांस देखना ना भूलिए। 2 दिन से हो रही अच्छी बारिश का असर शिप्रा में दिखाई दे रहा है। देवास और उज्जैन में हुई अच्छी बारिश के कारण सावन के महीने में शिप्रा में 5वीं बार बाढ़ देखी गई। रामघाट पर छोटी रपट से पानी गुजरता रहा। इसके चलते घाट के आसपास के मंदिर भी पानी में डूबे रहे। दिन भर में उज्जैन शहर में 26.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही शहर में बारिश का आंकड़ा 21 इंच पार कर गया। गंभीर बांध में भी पानी की धीमी आवक बनी रही। बांध में दोपहर तक 392 MCFT पानी संग्रहित था। दरअसल इस बार सावन महीने की मिजाज सी बारिश हुई। धीमी और मध्यम बारिश ने शहर की औसत वर्षा का आंकड़ा 21 इंच पर पहुंचा दिया है। शिप्रा की छोटी रपट शुक्रवार को पानी में डूबी रही और लोग बाढ़ का आनंद लेने भी नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने उफनती, बलखाती और तेज प्रवाह से बहती शिप्रा को खूब निहारा। बारिश की वजह से मौसम में भी ठंडक घुली हुई है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। काफी अच्छा नजारा है। जलमग्न पूरा मंदिर हो चुका है और शाम को मैं आया था, काफी पानी कम था लेकिन अभी काफी पानी बड़ा हुआ है। काफी अच्छा लगा मुझे तो यहाँ देख। नदी के घाट पे जो दृश्य है, अभी पूरा मंदिर भरा हुआ है पानी से और राम मंदिर जो है वो पूरा डूब चुका है, लेकिन यहाँ का नजारा इतना अच्छा है कि इंसान मतलब एक अलग सा कुछ है जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने अपने परिवार के साथ, हम भी अपनी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ईट राइट उज्जैन अभियान के तहत फूड विभाग के अधिकारियों ने श्री गंगा स्वीट्स फ्रीगंज में मावा कतली, मलाई पेड़ा, अपना स्वीट्स देवास रोड से मावा केसर बर्फी, बेकर्स लॉन्च से मावा कतली और कान्हा स्वीट्स से मिल्क केक का सैंपल लिया। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
इस दौर में जबकि लोगों की नियत छोटी से छोटी वस्तु पर खराब हो जाती है, होमगार्ड के 3 जवानों ने सड़क पर पड़ा मिला 40,000 कीमत का मोबाइल लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की है। दरअसल संत नगर में रहने वाले कर सलाहकार के अटल का मोबाइल फ्रीगन क्षेत्र में गिर गया था। सड़क से गुजर रहे होमगार्ड सैनिक अंकित शर्मा, सुनील मकवाना और महेश प्रजापत को यह मोबाइल मिला तो तीनों ने इसके मालिक को ढूंढने की कोशिश की। तीनों के मोबाइल के जरिए ही के अटल के मालिक होने की जानकारी लगी। तीनों ने बिल से मोबाइल का वेरिफिकेशन करने के बाद अटल को मोबाइल सौंप दिया। के अटल ने मोबाइल मिलने और नगर सैनिकों की ईमानदारी की तारीफ की। अटल ने तीनों का शुक्रिया अदा किया। मैं इनका तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने नेताओं के मजमे के साथ जाकर पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन की मृत्यु पर शोक जताया। गहलोत दोपहर में इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंचे थे। यहां से वह सीधे पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन के दशहरा मैदान स्थित निवास पहुंचे। हमेशा की तरह उनके साथ भाजपा नेताओं का कारवा था। गहलोत ने स्वर्गीय बाबूलाल जैन के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। गहलोत ने स्वर्गीय जैन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस वक्त भी बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। कोविड टीकाकरण का दूसरा महाअभियान 25 एवं 26 अगस्त को चलाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में टीकाकरण को सफल बनाने के लिए हर संभव उपाय करने पर जोर दिया। चौहान ने कहा कि डोंडी पिटवाकर लोगों को वैक्सीनेशन की जानकारी दी जाए। वैक्सीनेशन अभियान में उज्जैन प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर इंदौर और दूसरे पर सीहोर है। जिले में औसत बारिश का आंकड़ा 732 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश तराना में 41 मिलीमीटर दर्ज की गई। उज्जैन और घटिया तहसील में 32-32, खाचरोद में 13, नागदा में 23, भरनागर में 17, महितपुर में 18 और झाड़ला में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। गौरतलब है कि उज्जैन जिले में औसत 906 मिलीमीटर बारिश होती है। जिला राइफल एसोसिएशन की 5वीं राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जमकर पदकों पर निशाना लगाया। अब चयनित खिलाड़ी 7-13 सितंबर तक इंदौर में राज्य स्तरीय स्पर्धा में शामिल होंगे। चैंपियनशिप के समापन समारोह के अतिथि आरआई जयप्रकाश आर्य ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। जोमेटो के डिलीवरी बॉय आशीष नामदेव ने शनिवार सुबह जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। कवेलू कारखाने के पास का निवासी नामदेव किसी महिला से प्रताड़ित हो रहा था, इसका जिक्र उसने 8 पेज के नोट में किया है। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।